इतनी फॉग है, इतनी फॉग है इस वक्त कि वो सामने पूरे जो पेड़ हैं वो फॉग में छुपे हुए हैं। और अब जनाब बारिश भी शुरू हो गई है, बारिश की रिम झिम सुनाई दे रही होगी। ये जी है एबटाबाद का बाज़ार, और इस वक्त हम गुजर रहे हैं एबटाबाद के बाज़ार से। बट कढ़ाई हर जगह पे मौजूद है। कब आपको भूख लगी कुछ आपको? आई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने पैटी खाई है चाय के साथ ना, आई एम फुल। भूख का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एक जमाना था कि एबटाबाद में गर्मियों में कोई पंखे कोई एसी कुछ नहीं होता था, और हम लोग कंबल लिया करते थे होटल में जब आके ठहरते थे। और अभी देखो, अभी तक तो मैंने ये जी है एबटाबाद का बाज़ार। ये शाहीन केमिस्ट से हमारे दोस्त अपने कुछ मेडिसिन लेने गए हैं। मैंने कहा मैं कार में बैठती हूँ तो मैं देख रही हूँ जनाब। कभी एक ज़माना था कि हिल स्टेशन हुआ करता था, और अभी ज़रा रश देखें आप। ये इनका मेन बाज़ार है, मेन रोड है जिसके ऊपर ये सब शॉप्स हैं। और हमें जाना है ग्रॉसरी के लिए एक ख़ास शॉप पे जो यहाँ पे काफ़ी बड़ी है, और हर वैरायटी मिल जाती है आपको, हर किस्म की चीज़। उसके अलावा हर ब्रांड के यहाँ जो चीज़ें हैं ना वो सब मौजूद हैं, कपड़े से लेकर जूते तक हर ब्रांड यहाँ एबटाबाद में मौजूद है। तो आज है जी जनाब हमारा एबटाबाद का दौरा, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ ताकि मैं आपको ज़रा एबटाबाद की सैर करवा दूँ। जी हमारे दोस्त जो हैं वो गए हैं गोश्त लेने। मुझे गोश्त लेना नहीं था, मटन बीफ वगैरह, तो मैंने कहा मैं इस दुकान पे जाती हूँ, यहाँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं उनको देख के इंजॉय करती हूँ। तो मैं ऐसे ही इन चीज़ों को देख रही हूँ। कोई बच्चियाँ वगैरह हमारे घर में नहीं हैं जिनके लिए ये मैं लूँ। ऐसे ही मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे टाइम गुजारती हूँ। ओह खुशी, एबटाबाद में भी खुशी आए हुए हैं, वाओ। और तो मुझे कोई चीज़ यहाँ पे ऐसी नज़र नहीं आई मेरी मर्जी की, तो एक चप्पल नज़र आई है वो मैं ज़रा पहन के देखती हूँ कि कैसी है। बहुत ही फ्लैट है, इतनी ज़्यादा फ्लैट मैं पहन नहीं सकती, लेकिन ये है लेदर की इसलिए मैंने कहा मैं देखती हूँ। ये कोई चप्पलें हैं इस दुकान पे, लेकिन बहुत फ्लैट है, इतनी फ्लैट जूती मैं पहन नहीं सकती। मुझे कम से कम 1 इंच की हील जो है ना वो कंफर्टेबल लगती, चाहे घर में पहनी हो चाहे बाहर। वही बड़ी डेकोरेटिव जूती है, लेकिन ऐसे कोई मेरे मतलब के नहीं है। ये कुछ बेहतर लग रही है देखती हूँ। सामने एक मिरर है जिसमें ये मैं देख रही हूँ कैसी लग रही है, और चल के देखती हूँ। ये मुझे लग रही है ज़रा अच्छी, चल के मैंने देखा है कंफर्टेबल है, प्राइस मुझे ज़्यादा लग रही है। मैं इनको कह रही हूँ कि ज़रा मेहमानों का ख्याल करें और कुछ रियायत करें। अगले बार ज़्यादा मेहमान नहीं आते।
अच्छा, हैदराबाद में सारे मेहमान ही आते हैं। एक ग्रेवी ट्राई किया लेकिन इसका इतना मज़ा नहीं आ रहा। मैं दूसरी अब गोल्डन मंगाई है, वो देखती हूँ। ये बहुत छोटी है, इसमें मेरा साइज ही नहीं। ओनली ये है जिसमें मेरा साइज है, 9 नंबर। ठीक है, ये बहुत छोटी है। फिर इनमें से मुझे यही एक अच्छी लग रही है, मैरून वाली। इस वक्त हम आ गए हैं एबटाबाद के सबसे बड़े, मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे याद है, सबसे बड़े मॉल पे। और इस पे देखिए क्या क्या है। ओए माय गॉड, ये देखें ग्रेटर। एक ज़माने में अमेरिका से मैं लेके आया करती थी, इतने क्यूट लगते थे, और अब माशाल्लाह से हमारे अपने मुल्क में कितने मिल रहे हैं। ये है मग, कैटल्स, क्रॉकरी जिस पे 15% डिस्काउंट है, पर इनमें से कोई भी मेरे मतलब की सच्ची बात। इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, जरा इधर प्लीज, कोई है इधर? एनीबॉडी हियर? कोई इधर है जी? जरा खोल के बंद दिखा सकते हो ना? आए तुसी कहंदे हो आखिरी पीस है, तो वो भी पीछे ही खोल पिया होया है। हैं? वो ऐसा ही नहीं, वो छोटा है, वो वाला खोलो, छोटे वाला, वो छोटे वाला खोलो, ऐसे बहुत बड़ा है। आराम ना, आराम। ये अच्छा, तस्वीर तो लग रहा सी कि वो इतना छोटा है। कोई ऐसी जगह पे नहीं, इधर ले आओ ना जिथे मैं बैठ के दे सका, देख सका। जी 2000 वॉट और सेरेमिक हीटिंग और डिलेट डिस्प्ले, टच कंट्रोल, डिजिटल, दो साल की वारंटी है। तो 2 साल की वारंटी मिल जाएगी? एक मिनट में जरा देख लो ना, बना कहाँ का हुआ है, मेड इन कितों का, मैं ये देख रही हूँ। कितने नहीं लिखे होया मेड इन कितों का। अब टेस्टिंग के ऊपर रखा है ऑन करने के लिए, फिर मैं देखती हूँ कि ये कैसा है। ये मैं सिर्फ इसलिए लेना चाह रही हूँ कि मैं बाहर लॉन में बैठ के आपके लिए कुकिंग कर सकूँ। गैस के भी होते हैं लेकिन गैस का मुझे कोई यहाँ नज़र नहीं आया, ये इलेक्ट्रिक नज़र आया, तो मैं देख रही हूँ कैसा है। जी इसको ऑन किया है, अब देखें कितनी देर में ये रेड होता है। तस्वीर में तो लाल होता हुआ दिखाया हुआ है ना, सेंटर में लाल। तस्वीर देखें जरा, मतलब बहुत ये और है, देखें और है, और है। तस्वीर दिखाएं जरा मुझे। हाँ ये देखें तस्वीर में ना, इसमें ये देखें, ये देखें, ये सारा सर्कल रेड हो गया। हाँ ठीक है, चलिए सर। एबटाबाद की सब्जी, ये तो लगता है हम इजिप्ट से गुजर रहे हैं। टिपिकल लुक ऑफ एबटाबाद,
नहीं जंगल थे वो शंकारी जो है ना पूरे। एबटाबाद इतने ज्यादा, और ये व्हाइट पतनी क्या चीज है? एक तो चीनी मुझे लगता है, या नहीं, मुझे लगता है मकई का आटा है। अच्छा, इस इलाके में ना मकई का आटा ज्यादा होता है, ज्यादा बिकता होगा। ये बशीर है ना हमारा ड्राइवर जो है, ये मानसरे का है ना, तो ये जब जाता है ना फिर मैं इससे मंगवाती हूँ। मकई का आटा है, नारायण वाले भी जाता है, मकई का आटा है और हाथ की चक्की का होता है, वो लिखा हुआ है मकई का आटा। कलंदरी कबाब, वाह भाई वाह, पानी कबाब ही रोड जाए। ये जी हमारी हो रही है एबटाबाद की सैर। सब्जा अभी भी काफी है एबटाबाद में। जाएं और छली ना खाएं, नथिया गली जाएं और छली ना खाएं, कैसे हो सकता है? अब हमें लेफ्ट साइड पे छली वाला नजर आ गया है, गाड़ी रोकी है और जनाब हमने छली का ऑर्डर दिया। नरम है ना, दिखाए अच्छी तरह पकाई है। कितने पैसे? चलिए